ईडी ने सहारा इंडिया के ठिकानों से बरामद किए करीब 3 करोड़। जी हाँ दोस्तों, ईडी ने सहारा के ठिकानों से बरामद किए करीब 3 करोड़। छापेमारी के दौरान ये दस्तावेज भी लिए कब्जे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य यूएस का नाराज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ सहारा इंडिया की ताज़ा ताज़ा अपडेट। बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए जागरण टाइम से है। और ये अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है, चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा ताज़ा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब करे शुरू करते हैं जागरण टाइम्स में आई आज की ताज़ा अपडेट। ईडी ने सहारा इंडिया के ठिकानों से बरामद किए 3 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सहारा की जांच जो इस वक्त चल रही ईडी द्वारा, दोस्तों ये अपने आप में नए नए खुलासे कर रही है। ईडी ने सहारा इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। कोलकाता व लखनऊ स्थित सहारा समूह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए कब्जे में लिए और इसके अलावा 700 संबंधित कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क कब्जे में लिए, जिसके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। तो दोस्तों इस वक्त जो है ईडी बड़े एक्शन में है और ये बड़ी अपडेट राज्य ब्यूरो लखनऊ से आई है। ईडी ने सहारा समूह के विरुद्ध एक सोसाइटी में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने के मामले में छानबीन के दौरान कई संबंधित कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान 3 करोड़ रुपए के अलावा 700 संबंधित कंपनियों से जुड़े दस्तावेज, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क कब्जे में लिए, जिसके आधार पर आगे की छानबीन की जा रही है। ईडी ने बुधवार को कोलकाता में लखनऊ स्थित सहारा समूह के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। लखनऊ में कपूरथला स्थित समूह कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफिस में छानबीन की गई थी। ईडी सहारा इंडिया ग्रुप की हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 25,000 करोड़ रुपये जमा कराने की जांच कर रहा है। सोसाइटी का मुख्य कार्यालय कोलकाता में है। कंपनी ने यह रकम चिटफंड स्कीम के जरिए निवेशकों से जुटाए जाने का दावा किया था। तो दोस्तों ये थी जागरण टाइम्स में आई आज की सहारा इंडिया की जांच से जुड़ी एक बड़ी अपडेट। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।